अच्छे पैसे के वाले घर से हो या फिर आप चाहते हो मैं आगे बिजनेस कर लूंगा, तो फिर आप इस भर्ती की तैयारी मत करना। दोस्तों पशु परिचर भर्ती के बारे में मार्केट में जो माहौल बन रहा है इसकी हम सच्चाई आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वाकई ये भर्ती परमानेंट भी है या नहीं है। और सबसे बड़ा डाउट आ रहा है दोस्तों, डाउट ये आ रहा है कि ज्यादातर बच्चे जो माहौल खराब हो रहा है इसको देखकर तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, थोड़े से टेंशन में है। तो आज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है, यदि आप भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं जी जान लगाकर दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। आपने और वीडियो दोस्तों स्किप कर दी होंगी लेकिन ये वाली वीडियो स्किप मत करना यदि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और जी जान लगाकर कर रहे हैं। ये फिर दोस्तों आप औरों की तरह ऐसे ही हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो भाई पहले ही बता देता हूं, यदि आपके अंदर ये डाउट है ना कि मेरा सिलेक्शन पशु परिचर में होगा या नहीं होगा, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो भाई आप सीधे बाहर होने वाले हो। मैं पहले बता देता हूं नहीं होगा। जिसका भी दोस्तों कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, जिसको लगता है कि मैं यहाँ पर एक सीट मेरी लेकर जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी भर्ती बार बार नहीं निकलती है, तो उनका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि और भर्तियों के मुकाबले सिलेक्शन लेना भी आसान है और पद दोस्तों 6000 के आसपास पद है और भर्ती आपकी आ रही है 2000-2500 पदों पर, 6000 पद है और एक ही पेपर में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो हम सीधे चलते हैं दोस्तों पशु परिचर भर्ती की सच्चाई के बारे में कि यह परमानेंट भी है या नहीं है, क्या इस पर गोबर सच में उठाया जाएगा, भैंस की पूंछ पकड़नी पड़ेगी क्या, जो भी हकीकत है वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, तो पूरी जरूर देखना इस वीडियो को। तो पहले नंबर पे दोस्तों डाउट आ रहा है, डाउट ये आ रहा है ये भर्ती परमानेंट भी है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन में जाके आप पढ़ भी सकते हो, ये भर्ती परमानेंट है और भर्तियों की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, यहां पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, जो भी दोस्तों सुविधा और भर्तियों के अंदर है ना, सभी सुविधा आपको यहां पर मिलने वाली है। तो भर्ती परमानेंट है, जो भी कोई बोल रहा है इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपका जो लक्ष्य है दोस्तों वो सामने पशु परिचर भर्ती को लेकर है, तो उसके ऊपर होना चाहिए कि मुझे तो मेरी एक सीट पक्की करनी है, कोई कुछ भी बोले, तो यही आपको ध्यान में रखकर है वो तैयारी करनी है। दूसरे नंबर पे है कि मैंने और कोर्स खरीद रखा है राजस्थान के, जैसे राजस्थान सीटी का कोर्स खरीद रखा है, क्या पशु परिचर का कोर्स खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोर्स बेच रहे हैं वो तो आपसे यही बोलेंगे कि आपने सीटी का कोर्स खरीद रखा है, वो तो रहने दो, आप इसका भी खरीदो पशु परिचर का भी। तो मैं वापस बता देता हूं, यदि आपने राजस्थान सीटी का कोर्स खरीद रखा है, आपको ये वाला कोर्स है वो नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो यहां पर सिलेबस है वो आपको सीटी के अंदर भी है, तो आप सीटी की तैयारी कर रहे हो ना, तब भी आप यहां पर सिलेक्शन ले सकते हो, तो अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां पर आपको जो पशु से संबंधित 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको मार्केट से छोटी सी बुक खरीद लेनी है जिसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपने कोर्स खरीद रखा है सीटी का या फिर किसी का भी जिसमें ये सिलेबस है दोस्तों, वो डिट्टो का डिट्टो सिलेबस है सीटी के अंदर दोस्तों, तो आप वहां से तैयारी करके इसमें भी आप सिलेक्शन वो ले सकते हैं। सिर्फ आपको पशु से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे 45 वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मार्केट से कोई भी बुक लेकर आए उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आपको अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है या फिर अलग से कोई नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, राजस्थान जीके की पहले ही आपके पास जो बुक पड़ी है उन्हीं को ही पढ़ो दोस्तों। यदि आपके पास मैथ की कोई बुक पड़ी है तो उन्हीं की पढ़ो, साइंस की कोई भी बुक पड़ी है तो उन्हीं को पढ़ो, इस प्रकार से टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगला डाउट आ रहा है कि इसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा है। दोस्तों सच्चाई बता रहा हूं, क्या यहाँ पर सच में वर्कलोड बहुत ज्यादा है? बहुत का डाउट ये भी आ रहा है कि यहाँ पर गोबर उठाना पड़ेगा, बहुत ये बोल रहे हैं कि भैंस की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्कलोड यहाँ पर ज्यादा नहीं है, यदि आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हो तो आप आगे भी जो जिस भी आपकी भर्ती का सपना है आप उस भर्ती की भी साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हो। और जो आपके अंदर डाउट आ रहा है ना यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, तो ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप भैंस की पूंछ पकड़ भी लोगे तो इसमें क्या गुनाह है? आपको सरकार सैलरी दे रही है और गवर्नमेंट जॉब है, तो आपके अंदर ये डाउट है ना, डाउटों को बाहर निकाल दो, तैयारी करने में लग जाओ। वर्कलोड ज्यादा नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि आप इस भर्ती के साथ साथ और भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, तो वर्कलोड और भर्तियों के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम है। नॉर्मल से यहाँ पर आपके सामने काम रखे गए हैं, जैसे डॉक्टर की हेल्प करना, जो भी आपको अस्पताल दिया जाए उसकी देखभाल करना, नॉर्मल से काम है, तो वर्कलोड ज्यादा नहीं है। आप वहीं पर बैठकर इसकी तैयारी और भर्तियों की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो जो भी आपके अंदर डाउट है इसको बाहर निकाल देना। अगला डाउट आ रहा है, वो डाउट सबसे बड़ा यही आ रहा है कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। तो दोस्तों जो भी सुविधा राजस्थान की अदर भर्तियों के अंदर मिल रही है वो सभी सुविधा आपको पशु परिचर के अंदर मिलने वाली है। जैसे दोस्तों पहले नंबर पे सैलरी, सैलरी बहुत अच्छी खासी है दोस्तों, और भर्तियों के मुकाबले बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। दोस्तों जब प्रोविजनल काल पे रहोगे तो सैलरी आपकी लगभग 12,700 के आसपास रहने वाली है,
जो राजस्थान की लगभग दोस्तों सभी भर्तियों में ऐसे ही है। कुछ भर्तियों को छोड़ दो, जैसे एलडीसी हो गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गया, उनमें लगभग स्टार्टिंग जो प्रोविजनल काल रहता है आपका 2 साल का, उसमें सैलरी थोड़ी बहुत कम मिलती है, लेकिन जैसे ही आप प्रोविजनल काल खत्म हो जाता है, 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर सैलरी वर्तमान में जो दी जा रही है वो लगभग 27-28 हजार के आसपास है। ये तो वर्तमान में बता रहा हूं मैं आपको, अभी आपकी एग्जाम लगेगी दिसंबर में, जनवरी के अंत तक रिजल्ट आएगा, फरवरी या मार्च तक ज्वाइनिंग मिलेगी, तब तक ये सैलरी बढ़कर दोस्तों 30 हजार के आसपास हो जाएगी। किसकी? पशु परिचर की सैलरी। तो 30 हजार कम थोड़ी है, बहुत ही बोल रहे हैं यहाँ पर सैलरी कम है भाई, 30 हजार आपकी बहुत अच्छी सैलरी है मिडिल क्लास के लिए। और यदि दोस्तों आप बहुत अच्छे पैसे के वाले घर से हो, या फिर आप चाहते हो मैं आगे बिजनेस कर लूंगा, तो फिर आप इस भर्ती की तैयारी मत करना, आप फिर बिजनेस ही करो। लेकिन आप मिडिल क्लास से संबंधित हो, ज्यादा पैसा है नहीं बिजनेस करने के लिए, तो आप पशु परिचर की तैयारी कर सकते हो, 30 हजार सैलरी कम नहीं है। तो मैंने सैलरी को लेकर डाउट भी क्लियर कर दिया। अगली दोस्तों सुविधा मिलेगी, मेडिकल सुविधा, आपको मेडिकल सुविधा मिलने वाली है और भर्तियों की तरह यहाँ पर भी आपको मिलेगी। तीसरे नंबर पे क्या यहाँ पर पेंशन भी मिलेगी क्या? बिल्कुल दोस्तों, आपको रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन मिलती है और भर्तियों मिलती है ना, वैसे पेंशन भी मिलने वाली है। तो जो भी दोस्तों सुविधा राजस्थान की और भर्तियों में, वो सभी की सभी सुविधा आपको यहाँ पर मिल रही है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाओ भाई। अब मैंने इस भर्ती के बारे में आपको सच्चाई बता दी है कि क्या है सच्चाई दोस्तों, तो अब आप इस भर्ती की तैयारी में लग जाओ। यदि अब भी आप दोस्तों डटे हुए हो, औरों की वीडियो को देखकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप सिलेक्शन नहीं लेके जाओगे, सिलेक्शन यहाँ पर वो लेके जाएगा जो लगातार दोस्तों पढ़ता रहेगा, लगातार तैयारी करता रहेगा, टॉपिक वाइज दोस्तों जो भी सिलेबस दे रखा है टॉपिक वाइज पढ़ता रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और आप पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।